राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत चित्रकूट जिले में भी कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सघन अभियान चलाया जा रहा है। 1 से 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह में प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषण से बचाव के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, ममता दिवस, टीकाकरण, बच्चों का वजन और लाडली दिवस जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण और उनके खान पान और नवजात शिशुओं को कुपोषण से बचाव के लिए विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है। साथ ही इस पूरे माह में सर्वे भी चल रहा है, जिसमें छूटे हुए लाभार्थियों को चिन्हित किया जा रहा है और अति कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कराया जा रहा है। हमारे घर में दीदी आती है, हमको अच्छी अच्छी चीजें बताती है और हमारे कई जांच भी हो चुके हैं और हमारा सब चीज अच्छे से है और सब चीज हरी सब्जियाँ बताती हैं, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, कई लाभ मिलते हैं आंगनबाड़ी से। अब तो हमें बहुत कहानी बहुत जानकारी, हर फूल बोझा उठाने का माना है, सीढ़ी चढ़ने का माना है, सब कहे कहानी। अब हर फूल खवाओ, हरी सब्जी खवाओ, पालक खवाओ, अब बढ़िया वह का सुविधा है। आंगनबाड़ी देती है केला, अनार, सेव, सब कुछ देते, पंजूरी सब देते, इन्हें टीका लगाती हैं, जांच करती हैं, गोली देती हैं। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरा जो है पूरे माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। कुपोषण दूर करने के लिए पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण के विषय में लोगों को जागरूक कर दिया जाए कि कुपोषण क्या चीज है, इससे बचाव कैसे किया जाए और इससे मान लीजिए कोई कुपोषित हो गया है इसको इसको कैसे दूर किया जाए। और इसके लिए पूरे माह में एक कार्य योजना बन गई है, हर दिन की एक गतिविधि निर्धारित है।